नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी के माता गुजरी जी ने शहादत दी थी। लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के लोगों के द्वारा दी गई शहादत को बड़ी भावपूर्ण अवस्था में याद करते हैं। इस शहादत ने संपूर्ण मानवता को देश को नई सीख दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम 6 बजे सिंघू बॉर्डर जाएंगे, जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री शहीदी सप्ताह के दौरान कीर्तन दरबार में हिस्सा लेंगे। किसानों सरकार के बीच घमासान जारी है, आज आंदोलन का 32वां दिन है। वहीं इस घमासान के बीच किसानों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शाम 6 बजे सिंघू बॉर्डर जाने का ऐलान किया और इसी बीच सिंघू बॉर्डर पर बड़ा स्टेज तैयार किया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 32 दिनों से जहां देश के किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं, वहीं मौतों का सिलसिला भी रुक नहीं रहा है। रविवार सुबह बहादुरगढ़ के टिकरी स्थित हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब के एक और किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले किसान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र भी छोड़ा है। आत्महत्या करने वाला किसान की पहचान फाजिलका जिले के जलालाबाद निवासी अमरजीत सिंह के रूप में हुई है। अब तक इस आंदोलन में 30 से ज्यादा किसानों की मौत आत्महत्या और ठंड की वजह से हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। वे लगातार अपने ट्विटर हैंडल से केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं और साथ ही किसानों को अपना समर्थन भी दे रहे हैं। राहुल गांधी ने रविवार को एक बार फिर से ट्वीट किया है। किसानों का समर्थन करते हुए उन्होंने लिखा है कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गिदड़ भपकी हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो, वहीं वीर तुम बड़े चलो, अन्नदाता तुम बड़े चलो। हरियाणा में कड़क ठंड के बीच 7 नगर निकायों के लिए रविवार सुबह से मतदान जारी है। राज्य में अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम के मेयरों के साथ ही पहली बार रेवाड़ी जिला परिषद के अलावा रोहतक की सांपला, रेवाड़ी की धारूहेड़ा और हिसार की उकलाना नगर पालिका के प्रधान का प्रत्यक्ष चुनाव भी हो रहा है। सामान्य मतदाता शाम 4:30 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद 5:30 बजे तक वायरस के लक्षणों वाले या संक्रमित मतदाताओं को वक्त दिया जाएगा। आज पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया था और इस बीच प्रदर्शनकारी किसानों ने पीएम के विरोध में थालियां बजाने का ऐलान किया था और देश भर में पीएम मोदी के विरोध में कृषि कानून के खिलाफ खड़े संगठनों ने थालियां बजाकर किसान संगठनों को अपना समर्थन दिया। इसी के तहत आप पंजाब के अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान और आप पंजाब यूथ विंग के अध्यक्ष और विधायक अमित हेयर ने आंदोलनकारी किसानों द्वारा दिए गए आह्वान के अनुसार किसानों को समर्थन देने के लिए थालियां बजाई हैं। 1 जनवरी से अब उत्तर प्रदेश में बिना फास्टैग बीमा नहीं करा सकेंगे। दरअसल सरकार ने बिना फास्टैग के गाड़ियों का थर्ड पार्टी बीमा कराने पर रोक लगा दी है। नए साल पर 4 जनवरी से 4 पहिया गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार लंबे समय से फास्टैग लगाने की अपील कर रही है। कुंभ की तैयारी को लेकर अखाड़ा परिषद और मुख्यमंत्री के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है और मुख्यमंत्री बार बार ये साफ कर चुके हैं कि कोरोना के हालात के मुताबिक फैसला होगा, लेकिन संतों का कहना है कि अभी कोरोना कम है इसलिए मेला होगा, अगर कोरोना बढ़ेगा तो बैठकर बात होगी। शुरुआत से लेकर अब तक महामारी का असर कुंभ की तैयारियों पर पड़ा है। ऐसे में करोड़ों लोगों का सैलाब नई मुसीबत न खड़ी कर दे, ये भी सरकार के लिए बड़ी चिंता है। जबकि वैक्सीन आने पर कुंभ को सबसे पहले ध्यान में रखने की बात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत खुद प्रधानमंत्री मोदी से कह चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में महामारी के 18,732 नए केस सामने आए हैं, जबकि 279 मरीजों की मौत हो गई। वहीं इस दौरान 21,430 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। देश में अब तक महामारी के मरीजों की कुल संख्या 1,01,87,850 हो गई है, जबकि वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1,47,622 है। देश में अब तक 97,61,538 मरीज महामारी को मात दे चुके हैं। फिलहाल देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 2,78,690 है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।